खैर एक मेहमान और हैं, वहां से जोड़ लेता हूं उनको। यहां पर हमारे साथ समित चौहान है। समित, गुड आफ्टरनून। पहले मैं आपके आइडिया जानना चाहूंगा निफ्टी बैंक और निफ्टी पर। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें, ट्रेंड वाइज बात करें, तो क्लियरली उसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक नेगेटिव ट्रेंड में है। हर एक माइनर जो डिप आ रही है, अपमो आ रही है, उसमें हम क्लियरली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बट यहां पे कहीं ना कहीं लास्ट दो दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और एक 200 पॉइंट की रेंज, कल की जो रेंज थी वो काफी अभी इंपॉर्टेंट हो गई है। 10-200 नीचे की तरफ, 10-400 ऊपर की तरफ, ये रेंज में हम आज भी देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आते, आपको एक नो डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा। तो यहां पे अगर लोअर एंड पे आता है वापस 10-280, 10-290 के आसपास, तो वहां पे काउंटर बाय लिया जा सकता है। कल भी हमने वाइल्ड स्विंग्स देखे थे मार्केट में, दो बार हमने 150-200 पॉइंट के एक वाइल्ड स्विंग्स इंट्राडे देखे थे। तो आज पॉसिबिलिटी है सेकंड हाफ में वैसा कुछ आ सकता है, तो इसके लिए हम काउंटर बायस रहना चाहेंगे। बट यहां पे एग्रेसिव पोजिशन नहीं लेनी चाहिए, यही मैं ट्रेडर्स को एडवाइस करूंगा। तो निफ्टी की अगर ट्रेड सेटअप की बात करें, 10-280 के आसपास बाय होगा, 10,195 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 10,440 तक एक माउंट बैक हम देख सकते हैं। निफ्टी बैंक पर आपने कोई ट्रेड नहीं दिया है, बहुत जल्दी से बताइए कि आपके चार ट्रेड्स कौन कौन से होंगे। समित, देखिए LIC एक थोड़ा आज पुलबैक मूव दिखा रहा है, तो इसमें एक लो रिस्क बाय होगा, जिसमें आप यहां पे 397 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो, 424 टारगेट रहेगा। जी लिमिटेड थोड़ा बहुत एक रिस्पाइट दिखा रहा है, तो इसमें 444 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, 409 का स्टॉप लॉस होगा। थर्ड बाय अडानी पोर्ट, जो लास्ट दो दिनों से अच्छा खासा रिकवरी दिखा रहा है, 326 का टारगेट होगा, 302 स्टॉप लॉस। और बजाज ऑटो में सेल रहेगा, जिसने एक मेजर सपोर्ट ब्रेक किए हुए, तो बजाज ऑटो में सेल करने की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 2420, स्टॉप लॉस एट 2630। चलिए आपसे अभी और बात करूंगा, लेकिन इस बीच